हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं कुछ नया ट्राई करने जा रही हूँ खाने के लिए। और मेरी बहन का डिमांड है कि उसको खाना है बॉयल्ड, तो की है ग्रीन फूलगोभी पुलाव, ग्रीन कॉलीफ्लावर पुलाव। मैं आप सबको प्रोसीड्यूर जरूर बताऊंगी, तो उसके लिए बनी रहिए। तो गाइस, हमें हरी चटनी के लिए चाहिए होगा साग, दो टमाटर, अदरक और मिर्ची स्वाद अनुसार, और धनिया। और आप चाहे तो लहसुन, नहरू, लहसुन, कुछ भी बोलो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो जिससे आपका स्वाद टेस्ट आए और उंगलियां चाटते रह जाए। मैं तेल यूज़ नहीं करने वाली हूँ, उसके लिए मैं एक ही साथ ग्राइंड करने वाली हूँ। तो गाइस, ये हमें यूज़ करना पड़ेगा उखल या उखली, कुछ भी बोलो आप, तो इसी से काम चलाने पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़े चंक्स वगैरह रह जाएंगे, और अगर मिक्सर ग्राइंडर होता तो पूरा स्मूथ हो जाता। कोई ना, चंक्स होने से भी खाने में टेस्ट तो रहता है, बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए, अनफॉर्चुनेटली हमारा मिक्सर ग्राइंडर जो था वो ख़राब हो गया, तो उसके लिए हमें उखल में कूटना पड़ा। तो कूट के पेस्ट रेडी हो गया। मिक्सर जो था, जो हमने कूट के रेडी किया था, वो हमने डाला कुकर पर। और जैसे कि हम तेल यूज़ नहीं कर रहे, मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, और इसके बाद चावल डाल के मैं सीटी लगा दूंगी। तो उसके बाद हमारा हरा चावल रेडी हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ मैंने ऐड कर दिया बॉइल्ड फूलगोभी, जो कि पहले ही बॉइल करके रख दिया था, पर मैं डालना भूल गई थी। और अब इसको स्टीर करके थोड़ा सा हल्दी भी डाल दिया। तो मैंने पहले ही डाल दिया था नमक, थोड़ी देर चलाऊंगी और उसके बाद चावल डाल के मैं दो सीटी मारने के लिए रख दूंगी। हमें लगा कि नमक थोड़ा कम है, तो उसके लिए मैं थोड़ा नमक और डाल ली। छोड़ देते हैं सीटी मारने के लिए। परफेक्टली नहीं हुआ, फिर भी बहुत ही यमी हुआ है। और ये साइड में है दही, मूली, प्याज, मिर्ची और धनिया। अब खाएंगे खाना, जो कि बहुत ही यमी होने वाला है। आप लोग भी जरूर ट्राई करना, ट्राई करके बताना कैसा लगा खाना। अच्छा बना है। बहुत ही यमी बना है। और सलाद तो वाव, परफेक्ट, विदाउट ऑयल भी बहुत ही बढ़िया बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।